चौले भी अंदर नहीं रखे थे, क्या पता था कि दोबारा। तो आज जा रही हूँ बनाने में नॉर्थ इंडियन डोसा, तो शगुन है नहीं, अब मन नहीं लग रहा है। आज सारा का सारा खाना चल गया। क्या हो गया? गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे, मस्त होंगे। आज का भी मौसम बहुत अच्छा है, ये देखिए मौसम, और मौसम के साथ साथ ये क्या हो रहा है? अरे आराम से उसको, जब वो हिल रहा है ऐसे ही, वो गलत चीज बोलते हैं ना कि बड़ा बुजुर्ग के राय विचार से कोई चीज मंगाया जाता है तो ठीक रहता है। ये शगुन मंगाई है, ठीक तो है यार, कट ही नहीं रहा है, कट तो रहा है, नहीं नहीं वो कटेगा, अब हो गया ना, अब डालो इसमें, नहीं निकालना मत, अब डालो धीरे धीरे, आराम से धीरे धीरे, वो एकदम नीचे है ना इसीलिए, देखो हिल गया। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, क्या हो रहा है? एडिटिंग हो रहा है, सोके नंबर लगाए, फिर लगा रहा हूँ। आज बेटा जी का तबीयत ठीक नहीं है तो जा रहे हैं इनको डॉक्टर से दिखाने, नंबर लगवाने, नंबर लगाओ जल्दी, लगा रहा हूँ, जल्दी करो। उसके भी थोड़ा सा हाथ में कुछ हो गया है, खुजली सा होता है, तो वो जा रही हूँ मैं दिखाने। और रिधि आज देखिए कैसे बदमाशी कर रही है, आज रिधि का हाथ मेरे से दरवाजा का जो ये चीज जो होता है ना, ये चीज इसमें आ गया था, हाथ ऐसे डाल देती है ना, हाथ ऐसे डाल देती है, मैं दरवाजा बंद कर दी थी, बहुत ये लग रहा था, अभी तक मैंने कचोट रहा है। ये कैसे बैठी है बच्चा मेरा, मिलो बच्चा, गुड मॉर्निंग बोल दो बेटा, गुड मॉर्निंग बोल दो, सुबह सुबह कोल्ड ड्रिंक्स का बोतल लेके बैठी, सोना गुड मॉर्निंग बोल दो, ए टीवी बंद करो, टीवी चलता रहता है तो एकदम नहीं कुछ नहीं, गुड मॉर्निंग बोलो, नमस्ते कर लो, नमस्ते कर लो, नमस्ते कर लो, थोड़ा सा नमस्ते कर लो बेटू, तब कोई गुस्सा होगा तब, इतनी गंदी लड़की है, नमस्ते नहीं करती है। तो आज जा रही हूँ बनाने मैं नॉर्थ इंडियन डोसा, तो उसमें क्या है कि मैं पूरा मिक्स वेज क्या डालती हूँ मैं, गाजर, अदरक और टमाटर, प्याज, प्याज पूरा कद ये ऐसे किया हुआ है, चॉप किया हुआ है, और मिर्ची ये डालूंगी, धनिया पत्ती रहता है तो चार चांद लग जाते हैं उसमें, सोने में सुहागा हो जाता है, लेकिन धनिया पत्ती अब मिल नहीं रहा है, बहुत महंगा हो गया और बिग बास्केट का बंद है, और दूसरा कोई ऐप में डाउन की नहीं हूँ इसलिए नहीं मंगा पा रही हूँ, तो चलो कोई बात नहीं, धनिया पत्ती नहीं है तो उसका धनिया का थोड़ा सा मैं ये करके जो साबुत धनिया होता है ना उसको भी डाल सकते हैं, लेकिन नहीं डालेंगे, कुछ भी नहीं डालेंगे, अजवाइन डालेंगे उसके जगह पे, और वो डाल के मैं इसमें डालते हैं, ये सब हो गए सब्जी, और इसमें डालेंगे सूजी थोड़ा सा, एक कप जैसे सूजी हुआ, दो कप आटा और एक कप बेसन, ये तीनों चीज मिक्स करके फिर बनाते हैं, बहुत टेस्टी लगता है, स्वादानुसार नमक डालिए, बहुत टेस्टी बनता है। ये नाम किसने दिया था? ये नाम इनके ऑफिस का कोई दोस्त था, वो सिन्हा जी के कोई दोस्त थे, सिन्हा जी बोलो, मैं आपको दिखा रही हूँ, दोस्त नहीं हमारे सीनियर थे। अच्छा, तो एक दिन आपने एक्चुअल में क्या था ना कि उधर जब मैं दिल्ली में थी ना तो हरदम इनको नाश्ता में वही सब बना के देती थी, कभी डोसा हुआ कभी कुछ हुआ, तो यही देसी डोसा बना के, मतलब साउथ इंडियन नहीं, सॉरी साउथ इंडियन नहीं थे वो, साउथ इंडियन थे वो, लेकिन मैं नॉर्थ इंडियन बने डोसा वैसे ही बना के देती थी, हम लोग चीला बना के देते थे, नॉर्मल कहिए तो चीला, लेकिन वो नाम दे दिए नॉर्थ इंडियन डोसा, नाम नहीं दे दिए वो। हाँ। क्या हुआ कि खाने बैठे हम खा रहे थे। हाँ। तो उसी समय वो आ गए, बोलते हैं ना व्हाट यू आर डूइंग, बोले सर आई एम टेकिंग माय लंच, अपना बेचारे काम भी कर रहे हैं, वो निकाल करके उसमें से पुदीना तोड़ रहे हैं, निकाल करके उसमें से खाया, बोलता है कि इट इज ये तो नॉर्थ इंडियन डोसा ये, बोले यस सर इट इज नॉर्थ इंडियन डोसा, और ये देखिए शैतानी इसकी शुरू है, नॉर्थ इंडियन डोसा शैतानी शुरू है, जिधर जाओ उधर बेचारी, आई पेपर नल खोलेगी, क्या हो गया, तो बात करते हुए भी रहेगा तो कोई बात नहीं, ये थोड़ा सा देख लेंगे हाथ से ही छू छू के, देखो जैसे ये बीच बीच में गांठ सा बन गया ना, तो इसको ठीक करेंगे, अभी मिर्ची नहीं डालनी क्योंकि एक दो निकाल दूं रिधि के लिए, एक दो तो नहीं है खाएगी, एक मैंने अच्छा सा निकाल दूं रिधि के लिए, उसके बाद मिर्ची डाल दूंगी, ऐसे लगाएंगे तेल कम पे ही करते हैं, हालांकि एक बार तेल लगाना पड़ता है उसके बाद से थोड़ा सा कम तेल लगेगा, अभी फर्स्ट टाइम में ज्यादा तेल लगेगा बाद में कम तेल लगेगा। ये लगता है कि बरसों बाद, बहुत दिन के बाद, बहुत, हाँ सही बात, बरसों ही बोलो, बहुत दिन क्या, हम तो नहीं लगता है कि यहाँ आने के बाद, दूसरे जगह थे अपार्टमेंट में तो बनाए हुए थे, यहाँ आने के बाद, हाँ यहाँ आने के बाद बनाए, बहुत दिन के बाद, पलट दें, हाँ पलट दें,
फर्स्ट थोड़ा सा टूटने उठने का डर रहता है। अब हालांकि टूटेगा नहीं, इसलिए नहीं टूटेगा कि सूजी डाला हुआ रहता है। सूजी डाला हुआ रहेगा ना तो नहीं टूटेगा। सूजी, आटा, बेसन, हाँ, तीनों चीज तो पूरा बाइंड हो जाता है ना, और सूजी जल्दी से ये हो जाता है। इसको हम एक्चुअल में कुछ देर छोड़ते हैं तो सूजी जो है ना वो फैल जाता है। फैलने पे थोड़ा सा अच्छा से हो जाता है और अच्छा लगता है। अभी ये क्रिस्पी क्रिस्पी लगेगा क्योंकि तुरंत बना के तुरंत छान रही हूँ मैं, और ये थोड़ा देर सूख जाएगा तो काफी अच्छा रहेगा। इसका स्वाद भी अच्छा लगता है, धनिया पत्ती बिना स्वाद में भी थोड़ा सा अंतर आ जाता है। देखो मैं आ रहा हूँ। हाँ, इसको हमारे यहाँ बिहार में इसको छिलका बोलते हैं। छिलका, चीला, ये सब बोलते हैं। हमारे यहाँ छिलका बोलते थे, बाकी आप लोग के यहाँ क्या बोला जाता है आप लोग समझ जाइएगा। चीज दिखला दिया गया, अब आप लोग समझ जाइए कि इसको क्या बोला जाता है। आप लोग बताना कि आप लोग क्या बोलते हैं। मिर्ची थोड़ा सा और काटते ना। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। काफी दिनों के बाद बनाई हूँ मैं। ठंडा रिव्यू है? हाँ, बहुत ठंडा रिव्यू देते हैं। भूख लग रही थी। जल्दी अच्छा रिव्यू देते हैं कि और अच्छा से बनेगा। बहुत अच्छा से ये नॉन स्टिक का सगुन खरीद के मंगाई थी, बहुत अच्छा से इस पे निकल जाता है। हालांकि मैं तो उस तावा पे भी अच्छा से निकाल देती हूँ, मुझे का ये अच्छा से निकल जाता है सिंपल तावा पे भी, लोहे वाले तावे पे भी। लेकिन अब चलो जब ये है तो इसका सुविधा उठाए। मैं एक कलछुल डालती हूँ उसमें, ये थोड़ा सा अंदर से नीचे से जब पक जाता है तो ऊपर से ऐसे किनारे किनारे से लेके बराबर कर देते हैं, जो ये छेद सब है ना वो पूरा बराबर हो जाता है और अच्छा से हो जाता है। और ज्यादा नहीं घुमाते हैं, नहीं तो टूट जाएगा। भाई भारत का नक्शा बन रहा है, गोल गोल नहीं छिलका बनता है, क्योंकि कोई प्याज इधर निकलता है, टमाटर उधर निकलता है और मिर्ची इधर निकलती है, तो भैया भारत का नक्शा बनता है। तो इसलिए कोई हंसना नहीं कि गोल गोल नहीं बन रहा है। सिन्हा जी, सिन्हाइन जी, बहुत अच्छा से पलट जाता है ये, देखिए कितना एकदम स्मूथली पलट जाता है। अब कोई नहीं मालेगा, हम बोल दिए ना। अब समझ गई। बेटे बहुत मार मारेगी अमित तुम्हारे बच्चा को। तुम्हारा शादी होगा फिर बच्चा होगा तो सोच लो तुम्हारा क्या हाल होगा तुम्हारे बच्चों का। हाँ बेटा, घर में खानदान में सबसे बड़ी रहेगी ये, फिर बताएगी सबको। ये नहीं, ये नहीं, मारना सिखा रहे ना, बाद में पिटाई होगा इसका, काटेगी ये। अब बोलो, हबीज हबीज रिद्धि का लुक देखिए। इधर आओ, इधर रिद्धि, रिद्धि इधर आओ, बैठो नहीं, इधर आओ, इधर आओ, ओए ओए, इधर आओ, इधर आओ, इधर इधर, पापा को दिखाऊं, पापा को चलो चलो पापा को दिखाऊं। सारे खत्म हो गए तब ये आ रहा है। अरे वाह, भूख लग रही है। 2 बजने जा रहा है, भूख लग रही है। अब मैं भी जा रही हूँ, अब नहा के मैं भी खाने, क्योंकि लेट हो गया, पूजा अभी करना नहीं है हम लोग को, तो जा रहे हैं। अब खा पी लेते हैं फिर नहाएंगे आराम से। काम करना है बहुत। और फिर धूप हो गई, देखिए कितना अच्छा मौसम था, अब धूप हो गई, कोई काम नहीं हो पाता है। की माया बताई दीदी। हाँ देखो, यहाँ बरसता नहीं वहाँ बरसा, तभी कह रहे हैं कि बारिश हो गई, तो जब तुम्हारे राम घर पर बारिश हो तो नहीं आई थी। बहुत अच्छा लगता है तुम बोलती हो इसे तो। चलो कर लो काम, जब सोचते हैं कि थोड़ा मार्केट में जाऊंगी, वहाँ मार्केट लगा हुआ है और तब बारिश होने लगती है। मैं भी चलूं बेटा, चलो जाओ जाओ, आप जाओ घूम के आओ, बाय टाटा टाटा टाटा, नहीं आप जाओ घूम के आओ, नहीं बाबा के साथ जाओ, बाबा के साथ जाओ घूम जाओ। बाबा के साथ जाओ, बाबा के साथ टाटा कर दो, टाटा कर दो, टाटा कर दो, टाटा टाटा गुस्सा हो गई। तो अब शगुन के चले जाने से बड़ा मुश्किल हो गया हमें, बार बार अब खिचड़ी चारे चढ़ाने बाबू का, शगुन ही बनाती थी मैं नहीं बनाती थी, तो कुछ समझ में नहीं आता कि क्या। तो खैर थर्सडे को खिचड़ी, कल चावल डाल के बनाई थी तो शायद कम पड़ गया कि क्या हो गया। अब जा रहे हैं आज फिर बनाने जा रही हूँ मैं इसका। खिचड़ी में डालते हैं गाजर, मैं देखी हुई हूँ थोड़ा सा, गाजर डालती है, टमाटर डालती है, बीन्स डालती है, चावल और मूंग का दाल, बस है। और बृहस्पत को खिचड़ी नहीं बन,
बनता है तो उस दिन दलिया बनता है, तो दलिया और बृहस्पत और संडे ये इस दिन दलिया बनता है। तो अब जा रही हूँ मैं, गाजर थोड़ा सा, गाजर थोड़ा सा, टमाटर थोड़ा सा, ये सब थोड़ा थोड़ा डाल के बनाने जा रही हूँ। क्या कर रही है रिदु? ये पैकेट कहाँ से उठा आपने रिदु? रिदु पैकेट आई शतानु ये देखो तो मौसमी गिरा के रखी। रुको 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 शतान अबे अब ये देखो वीआईपी लेके मम्मी से बात। मम्मी कौन? रितु रितु मम्मी मम्मी उसका खाना शैडो का खाना पीछे चल। नहीं शैडो का खाना है बेटा। रितु मम्मी 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 का फोन है बेटा, मम्मी से बात करो। बैठो एक जगह, चलो अंदर अंदर बैठो। हाँ बैठो बैठो लेके चलो। रिदु मम्मी वो देखो मम्मी के ग्लास में बॉल डाल दिया। देखो मम्मा 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 भाई डेढ़ दो साल हो गया किचन से मैंने छुट्टी मिले हुए, तो शगुन है नहीं, अब मन नहीं लग रहा है। शगुन बना लेती है जो भी चीज मन करता है वो बना लेती थी, अब मुझे मन नहीं लग रहा है। मन क्या समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बनाऊ खाना। वो बना लेती हूँ तो शाम का सोचती हूँ, शाम बनाती हूँ तो सुबह का सोचती हूँ। तो अभी आ जा रही हूँ मैं, खिचड़ा बोलते हैं या क्या बोलते हैं, तो उसमें ये चावल दाल भिगो के रखे हैं, आलू थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ कि आलू थोड़ा सा डल जाए, प्याज काट के, मिर्ची और ये खड़ा गरम मसाला डाले हुए हैं, और लहसुन है और नमक हल्दी डालेंगे, बाकी कोई गरम मसाला ऐसा कुछ नहीं डालेंगे। वो डाल के घी में, मतलब कि घी में बनाएंगे, वो रिफाइंड रिफाइंड में नहीं, तो बन जाएगा खाना, यही बनेगा और रायता रहेगा खाना बस। आज सारा का सारा खाना चल गया बेचारी, मतलब बना रही थी इतनी मेहनत से, मगर थोड़ा सा हम लोग के साथ बैठ गई बात करने, क्योंकि शगुन का भी फोन आ गया था वहाँ से घर से, वही सब न्यूज ये सब लेते लेते मन ही नहीं किया। बनाया हुआ नहीं है, सीटी लगा नहीं, सुसु सुसु करते रह गया, उसको अंदाज है हमको नहीं अंदाज है, उसी में पूरा का पूरा नीचे से पकड़ लिया तो बंद, जल्दी बंद करवाए हैं। मन भी तो नहीं लग रहा है ना उसके बिना में, कि कैसे वो रह रही होगी। आ जा जल्दी से, चलो टाटा कर रिदु, टाटा कर डॉक्टर करेगा। आप जा रहे हैं शेडो को घुमाने, तो इसी के साथ आज ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। इसी एंड करते हैं, यदि वीडियो पसंद आए तो जल्दी से तो बोलो इधर शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। टाटा कर दो टाटा बाय बाय गुड नाइट बाय गुड नाइट। पूरा पैकिंग कर ली, ट्रॉली भी अंदर नहीं रखे थे, क्या पता था कि दोबारा। हाँ आजकल हो रहा था कि ट्रॉली रखना। संजोग कोई नहीं ना जानता है, जो कोई नहीं जान रहा है। जाओ बेटा जल्दी तैयार हो।